हरे कृष्णा। आवाज आ रही है सबको? हरी बोल, हरे कृष्णा। एक माता जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हरे कृष्णा माता जी, कौन है आपके साथी है? अरे हरे कृष्णा। कृष्णा हाँ, हरे ये मेरी कृष्णा। बड़ी बहन है। हरी बोल। अच्छा, आपसे शक्ल मिल रही है इनकी। हरे हरे कृष्णा सबको। कृष्णा माता जी। कैसे हैं सब जने? बस कृष्णा कैसे बढ़िया बढ़िया। चलिए ठीक है, आज कीर्तन स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा, जय सुभद्र, जय गौरनिता, जय जय प्रभुपाद नितय गौर। हरि बोल हरी बोल नितय गौर, हरी बोल नितय गौर प्रेमानंदे, हरी हरी बोल। चलो मंगलाचरण करते। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावदेतं सावदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेषाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ते नामिने श्रीवाश मानवी देवी दयिताय कृपावद्य कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नम माधुर्योज्वल प्रेमाड्य श्री रूपानुगा भक्ति दा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ति दीन तारिणी रूपानुगा विरुद्ध सिद्धांत द्वांत हारिणी नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ति विप्रलांबोर सांबोदय पादामुजाय ते नमो नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वराय ते गौर आविर्भाव भूमि स्वम निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वांछा कल्प धरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पंचतत्वकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुके जयताम सुरतो पंगो मतर्गति मत सर्वस्य पदम भोजो श्री राधा मदन मोहन दिव्याद वृंदारण्य कल्पतुमार श्रीमद रत्नाकर सिंहानस्तु श्रीमद राधा शील गोविंदे पृष्ठलाभि सेवमानो स्मरामि श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थित कर्षण वेणु सुनेर गोपी गोपिना श्रेयस्तु तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यान श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तजनों का स्वागत। हमारा आज का श्लोक है 31 है ना, और अध्याय नंबर 2 गीता का 7। अब हम जैसे मैं आपको बताया था कि हमारे कितने सेक्शंस है इसमें 5, तो उससे पहले फटाफट से जो सबने क्वेश्चन दिए आंसर्स दिए थे उसका मैं बता दूं। तो मैंने मार्क्स सबके लिख दिए हैं, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी। सबने सबसे पहले तो आप लोगों ने जो अटेम्प्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सही गलत का कुछ मायने नहीं होता। मायने ये होता है कि हम भगवान के लिए ये चीज सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हाँ हमने कुछ अटेंड किया है, मतलब ये एक सेवा है भगवान के लिए, है ना। तो आप लोगों ने अटेंड किया आप क्वेश्चन पेपर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं फटाफट से आपको आंसर्स बताती हूँ, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आत्मा दो प्रकार के हैं, एक तो अणु आत्मा और विभू। अणु मतलब अणु है ना, छोटा सा अंग जो होता है एकदम अणु, और विभू मतलब बहुत बड़ा। तो विभू कौन है, स्वयं भगवान, और अणु है जीवात्मा। सेकंड है सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा अंतर्धान डैश डैश के आने जाने के समान है, सर्दी गर्दी के, ठीक है, जो कि आप लोगों का सबका ही सही था ये वाला। तो ये जैसे हमने वो किया था ना श्लोक, मात्र स्पर्शस्तु कौन्ते शीतोष्णस्तु कुदा, मतलब जो जीवन में सुख और दुख है वो कैसे हैं, सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है। फिर है तीसरा, शरीर में 6 प्रकार के विकार होते हैं, जैसे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके बाद 2 और ये हैं कि थोड़े टाइम के लिए शरीर रहता है और प्रोडक्शन होता है। सब जने जैसे एक पेड़ होता है उससे भी और आगे बीच से प्रोडक्ट, वैसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी आगे सब प्रोडक्शन होता है सबका, है ना, आगे बच्चे सबके पैदा होते हैं, तो ऐसे प्रोडक्शन। तो 6 तरह के विकार है, ये क्लियर हुआ सबको। किसी ने 4 लिखा था पर मैं मतलब आपको क्लियर करूं, 2 तरह की ये चीजें। फिर है चौथा, आत्मा को, ये सबका ही सही था, बाल या फिर केश के अग्रभाग के 10,000 विभाग के तुल्य माना गया। फिर विद्वान ना तो डैश के लिए ना ही डैश के लिए, क्या हुआ इसमें, इसका भी सही। फिर है सारे जीव प्रारंभ में, ये हमने लास्ट ही करा था, ये कौन सा श्लोक था, 28, कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, है ना, जो हमारी जो महत्त्व जो पैदा होने से पहले
तो उसमें तत्व अव्यक्त मतलब कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, फिर भगवान वापस उन्हें मध्य अवस्था में व्यक्त करते हैं और वापस जब प्रलय होती है तो वापस सब विलीन हो जाते हैं, तो अव्यक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अव्यक्त व्यक्त और वापस अव्यक्त, सही गलत चुनिए। आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है, ये एकदम सही है कि हम सब क्या है जो अभी जो स्टडीज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं मटीरियल बॉडी की, हम कैसे खुश रह सकते हैं, इसको कैसे हम सुंदर दिख सकते हैं, कैसे हमारा शरीर सुख रह सकते हैं, पर असलियत क्या है अंदर जो आत्मा है उसका हमें भरण पोषण कैसे करना है, वो ही असली आत्म साक्षात्कार है। तो ये सबका सही था। ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकते हैं, ये भी सबका सही था, ये भी इसका भी आंसर सही है। धीर व्यक्ति शरीर परिवर्तन से परेशान नहीं होता, तो यहां से हमने ध्यान हो तो चार श्लोक थे उसमें हमने धीर व्यक्ति की क्वालिटीज पढ़ी थी कि धीर व्यक्ति कभी भी शरीर के परिवर्तन से विचलित नहीं होता, है ना, तो ये धीर व्यक्ति के लक्षण है। इसमें किसमें था वो हाँ ये देखिए श्लोक नंबर 13, इसमें लिखा है जो मनुष्य आत्मा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। तो ये जो 13, 14, 15 श्लोक है इसमें सब धीर व्यक्ति के ही लक्षण बताए गए, तो ये भी आंसर सही है। फिर है 10वां श्लोक भगवद गीता का उद्देश्य है, 10वां श्लोक भगवद गीता का उद्देश्य नहीं है, 15वां श्लोक भगवद गीता का उद्देश्य है। ये बहुतों का सही भी था बहुतों का गलत था। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत्य व्याय कल्पते। हे पुरुषेश अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य। तो एक्चुअली यही भगवद गीता का उद्देश्य है, तो आप लोग ये चीज नोट कर सकते हो। तो 10वां श्लोक गलत है, 15वां श्लोक राइट है। फिर है आत्मा तथा परमात्मा की तुलना दो मछलियों से दी, हालांकि सबका आंसर सही था, वैसे इसका आंसर गलत है पर ये आंसर सबने सही दिया, तो मछली से तुलना की गई थी पक्षियों से। ठीक है, नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न, गीता के दूसरे अध्याय को योग की दृष्टि से क्या कहते हैं। आप लोग याद रखना की जो सारा का सारा गीता है ये योगी है ना, भक्ति योगी है, तो हर एक चैप्टर को योग की दृष्टि से कुछ ना कुछ कहते हैं। तो मैं आपको हर एक जो चैप्टर होता है उसके स्टार्टिंग में लिखवाती हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट चैप्टर जैसे अर्जुन का विषाद योग था, ऐसे ही सेकंड चैप्टर सांख्य योग है। सांख्य योग मतलब क्या होता है, सांख्य मतलब होता है जिसमें आत्मा और परमात्मा का विश्लेषण करते हैं। तो जो सेकेंड चैप्टर है बेसिकली इसी पे डिपेंडेंट है। तो गीता का सेकेंड वाले चैप्टर को सांख्य योग भी कहते हैं। ठीक है, बहुतों का सही था, जिनका गलत था वो लिख लीजिए इसका आंसर। फिर दूसरा अध्याय में कितने विभाग हैं, 5 विभाग में। जैसे आपको चैप्टर स्टार्ट कराती हूँ तो आपको मैं विभाग लिखवा देती हूँ, जिससे हमें इजी हो जाए कि इस श्लोक तक ये पार्ट है। तो अभी तक जैसे हमने 30वां श्लोक तक करा है, तो उसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा था, आत्मा का पढ़ा था। अब हम 31वें श्लोक से कर्म कांड के बारे में पढ़ेंगे, तो वो ऐसा था इसलिए मैं विभाग करवा देती हूँ आप लोगों को। फिर है अर्जुन भगवान की शरण कौन से श्लोक से लेता है। ये बेसिकली सबका ही सही था, एक दो का गलत था, कार्पण्य दोष वाला श्लोक था जो कि है 7वां श्लोक, है ना, तो कार्पण्य दोष महत्सव था, ये भी सबका सही था। फिर है भगवत गीता के ज्ञान का आधार कौन सा श्लोक है। बारवां श्लोक ज्ञान का आधार का श्लोक है, ये कईयों का सही था कईयों का गलत है, तो ये चीजें आप थोड़ा नोट कर लिया करो, ये क्या आप लोगों के आगे भी बहुत काम आएगी कि भगवत गीता का ज्ञान का एक्चुअली सेकंड चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा गीता का सार है, इसी में आपको भक्ति योग कर्म योग सब सारे योगों का पता पड़ जाएगा, इसलिए सेकंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पर एक्चुअली जैसे अर्जुन की जो स्थिति थी वो हमारे मतलब अर्जुन एक्चुअली हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमें नहीं समझ आया, तो भगवान और हर एक चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, अदरवाइज सेकेंड चैप्टर तक भगवान ने सब कुछ गीता में समझा दिया था। तो आप लोग नोट करना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वां जो श्लोक है, न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनादिपा न चैव न भविष्यम सर्वे वयमत परमः, ये भगवत गीता का ज्ञान का आधार का श्लोक है। तो इसका इसमें बस बेसिकली भगवान यही समझाना चाह रहे हैं कि हम शुरू से थे अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे, कि आत्मा क्या है, अविनाशी है, अचल है, इसलिए ये इसमें समझाना चाह रहे हैं।
फिर है आत्मा के परिवर्तन को किसके उदाहरण द्वारा समझाया गया। ये इसमें भी कईयों का थोड़ा गलत था, आत्मा के परिवर्तन को, जैसे कि हमने सेकंड फर्स्ट ही श्लोक था इसका, कि जो हम कपड़े बदलते रहते हैं तो वैसे ही जो शरीर है वो मतलब जो आत्मा है वो शरीर बदलती रहती है। जैसे हमारे जो एंड टाइम पे जो डिजायर होते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती है, जैसे किसी को मांस खाने की इच्छा है तो भगवान उसको शेर का शरीर या जो ऐसे जो खाते हैं उनके शरीर दे देते हैं ना। तो आत्मा क्या है, हमारे डिजायर्स के अकॉर्डिंग, हमारी जो इच्छाएं होती है उसके अकॉर्डिंग शरीर बदलता रहता है। तो ये इसका आंसर था। फिर संक्षिप्त प्रश्न, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट किया, आत्मा के कोई भी 8 लक्षण बताइए। ये सारी की सारा जो सेकंड चैप्टर है ये इसी पे बेस्ड है और सबने बहुत अच्छे से इसका आंसर दिया। भगवान के शब्द की व्याख्या किसने, और ये सबका सही था, ये जो आप लोगों ने लिया ये सबने सही लिखा था इसका आंसर। बता देती हूँ कि जो किसने दी थी, ये भगवान की व्याख्या व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने इसकी वो व्याख्या दी थी कि समझ जो एक्चुअली भगवान की जो क्वालिटीज है, जो भगवान के जो सारे अवतार होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राम, वामन देव, नरसिंह देव, बलराम, तो इन सब में भी होती है क्वालिटीज, सब में थोड़ी थोड़ी किसी मात्रा में, बट कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम है और उनमें ऐसी जो 6 क्वालिटीज हैं ये और किसी में नहीं है। ये है संपूर्ण धन, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान तथा संपूर्ण त्याग। इसी के कारण कृष्ण में ये 6, इसलिए इनको भगवान कहते हैं। और शरीर और आत्मा में क्या क्या अंतर है, ये भी सबका आंसर सही था। मुझे बेसिकली सबका ये संक्षिप्त प्रश्न बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट किया, और सीरियसली आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे से सारा पेपर अटेम्प्ट किया। सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, वो मुझे अच्छा लगा। मैंने मतलब पेपर मेहनत से बनाया और आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आप करते रहिए, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के श्लोक से, जो कि हमारा तीसरा विभाग है सेकेंड चैप्टर का। 2 विभाग हम कर चुके हैं, जो कि 1 से 10 था, उसमें अर्जुन के संशय और उसका समर्पण था। सेकेंड विभाग था आत्मा के बारे में विश्लेषण था, ज्ञान कांड। अब है कर्म कांड, जो कि 31 से लेके 38 श्लोक तक है, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कर्म। पहले भगवान उसे आत्मा बता रहे थे, अब भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें कैसे कर्म करने, ठीक है। स्वधर्म पीचावेक्ष, स्वधर्म अपीचावेक्ष, न विकंपन्तु महर्षि, न विकंपन्तु महर्षि, धर्मायत हि युद्धात, श्रेय अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे भगवान बेसिकली क्षत्रिय का मतलब बदले समझा रहे हैं। 4 तरह के वर्ण होते हैं। पहले ये जो सोसाइटी होती थी उसमें सबको डिफ्रेंशिएट करा जाता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, उसमें 1st, 2nd, 3rd, 4th क्लास क्यों बनाते हैं, कि हाँ भाई ये बच्चा इस क्लास के लिए केपेबल है, ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट हो गया, ये इसको ये सब समझ आ गया, तो आप 10th क्लास में जा सकते हैं, है ना। ऐसे ऐसे स्कूल्स में बाइफिकेशन मतलब डिविजन होता है। तो ऐसे ही सोसाइटी में पहले, ताकि लोग बाग अपने अपने कर्म, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा घर है, उसमें एक लेडी है, वो उसको बोल देते हैं कि हाँ आप घर संभाल सकते हो, आप ये करो। जेंट्स है कि आप ये शॉप संभालो। तो फॉर एग्जाम्पल पहले ज्वाइंट फैमिली भी होती थी, तो पहले लेडीज को ध्यान होगा आप लोगों को, माताओं को, कि हाँ कि तू ये रोटी अच्छी बनाती है तो तू रोटी बना, तू सब्जी अच्छी बनाती, तुम कपड़े अच्छे से धोते, तो ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर देते हैं ना काम को। तो ऐसे ही भगवान ने ये जो सोसाइटी है इसको 4 वर्ण और इसमें डिवाइड किया था, और 4 उसमें तो कर्मों के हिसाब से। तो ब्राह्मण क्या कहते हैं, भगवान के सर को कहते हैं, कि जो अपना काम करता रहता है, वो भगवान की जो शिक्षाएं होती है, जो धर्म होता है वो सी सब बताता है, तो वो हो गया ब्राह्मण, उसको भगवान के सर से कंपेयर किया जाता है। फिर होता है बाहु,
बाहु को क्षत्रिय, मतलब बाहु में कितना दम है, तो क्षत्रिय को बाहु वाला बोला जाता है। तो इसी में आगे हम क्षत्रिय के डेफिनेशन है, जो क्षति से रक्षा करे, है ना। तो क्षत्रिय क्या करते थे, प्रोटेक्शन करते थे, जो सारा जो सीमाएं होती थी, जो राज्य होते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे, तो उनको भगवान के बाहु से कंपेयर किया जाता है। फिर आते हैं थर्ड, वैश्य। वैश्य का काम होता है सोसाइटी में पालन पोषण करना, तो वो प्रोडक्शन जैसे कि खेती, गायों का काम, जोतना, ये सब काम करते थे, तो उसको कहते थे वैश्य। फिर थर्ड आता है, उनको भगवान के पैरों से कंपेयर किया जाता है, शूद्र। वो क्या करते थे, इन तीनों जो वर्ग होते थे इनकी सेवा करते थे, तो इससे सोसाइटी बहुत अच्छे से मेंटेन होती थी। अब जैसे राम राज्य था, तो उसमें राजा अपना काम करता था प्रोटेक्ट, तो ये सब सरेंडर, सब अपनी अपनी ड्यूटीज निभा रहे थे। पर आजकल प्रभुपाद जी, मतलब हमारे शास्त्रों में सब जगह लिखा हुआ है कि जो आज का जो कलयुग है, इसमें क्या है, सभी शूद्र हैं, कोई किस ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहे, सब अपने अपने, कोई इधर की ड्यूटी निभा रहे हैं, ब्राह्मण ये काम कर रहे हैं, तो क्षत्रिय ये काम कर रहे हैं, सब अलग अलग हो गए। तो अभी क्या है, सब जगह कोलाहल, मतलब ये लोग कोई भी अपनी अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा, सब अलग अलग अपने अपने हिसाब से काम करे। तो बेसिकली इसमें भगवान ये समझाना चाह रहे हैं इस वाले श्लोक में कि स्वधर्म, जो तुम्हें कार्य दिया गया, जो तुम्हें कर्मों के अकॉर्डिंग तुम्हें जहां जहां जन्म दिया है, तुम्हारी डिजायर्स के अकॉर्डिंग तुम्हें कर्म भोगना है, तो तुम्हें वो ही कर्म करने चाहिए। बट हम क्या कर रहे हैं अभी, कोई अपने, तो भगवान बेसिकली उन्हें समझा रहे कि तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय हो कि शूद्रों जैसे काम करो, कि मुझे युद्ध नहीं करना, क्षत्रिय तो युद्ध के लिए सोचते हैं हमें कि करना ही है। तो यहाँ पे भगवान उसे बेसिकली शूद्र मतलब स्वधर्म के बारे में समझा रहे जा रहे हैं। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा डिटेलिंग बताती हूँ। स्वधर्म पे विचार ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अर्जुन अपने स्वधर्म पर भी विचार करे तो युद्ध करना सर्वथा उचित। पहले तो वो ये क्या बोल रहा था, फैमिली को बता रहा था कि भैया मेरे परिवार जन है, मैं कैसे इनके साथ युद्ध करूं। फिर भगवान उसे आत्मा के बारे में समझाते। अब भगवान बोलते हैं कर्म के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो तुम्हारा कर्म, तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा वो स्वधर्म है कि तुम्हें करना है। जैसे मैंने बहुत बार समझाया, स्वधर्म को हम कैसे समझेंगे, चीनी, चीनी का नाम लेती सबको लगेगा हाँ मिठास, रसगुल्ला मुंह में आएगा, हाँ रसगुल्ला मतलब मीठा, पानी मतलब बहना, करेले का नाम लेते सब सोचेंगे कड़वा, नींबू का नाम लेते सब सोचेंगे खट्टा। तो उसका वो स्वधर्म है, उसका धर्म है खट्टा होना, उसका धर्म है कड़वा होना, उसका धर्म है बहना। तो ऐसे ही यहाँ पे भगवान बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन तुम अभी क्षत्रिय हो तो तुम्हारा क्या धर्म है, लड़ना। तो भगवान हमें अर्जुन के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा भी धर्म है वो हमें करना चाहिए। फिर एक्चुअली अब जो पहला चैप्टर था हमारा अर्जुन का विषाद योग, मतलब कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण, उसमें श्लोक नंबर 39 से लेके 44 तक, मतलब ये जो 5 श्लोक थे उसी में तो अर्जुन सारा विषाद करता है कि क्या बोलता है कि लेडीज दूषित हो जाएंगी, कुल संकरण हो जाएगा, बच्चे अच्छे नहीं पैदा होंगे, धर्म का क्या होगा, ये सब वो 5 श्लोक में बताता है। तो प्रथम अध्याय के उस श्लोक में बताता है कि सारा कुल नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी, जाति धर्म भी नष्ट हो जाएगा, जो सारे धर्म है वो सब बताता है। तो उसका आंसर एक्चुअली यहाँ पे भगवान दे रहे हैं, उसके क्वेश्चन का आंसर कि वो बोलता है कि जाति धर्म भी नष्ट हो जाएगा, कुल के सभी व्यक्ति नष्ट हो जाएंगे, सब नरक चले जाएंगे, हमारा सारा धर्म चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे। और दुर्योधन के युद्ध के बिना कोई बात नहीं करना चाहता, उसे क्या कहा जाए कि युद्ध के बिना वे पांडवों के हिस्से की। अब भगवान उसे बोल रहे हैं कि जो तुम कह रहे हो सब सही है, बट द थिंग इज इतना हमने करा, इतनी कोशिश करी, पर दुर्योधन तुम्हें सुई की नोक तक की जो जमीन है वो देना नहीं चाहता, तो उसके लिए तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, तो ये तुम्हारा धर्म है। तो भगवान उसे यहाँ पे उसका धर्म समझा रहे कि हमें किसी के साथ हिंसा नहीं करनी, पर हमें अपने हक का भी नहीं छोड़ना। तो भगवान बोल रहे तुम्हें, मैं तो तुम्हारे लिए 5 गांव तक मांगने गया था, पर उसने बंदी बना लिया, बनाना चाहता था वो भगवान को। तो भगवान ने सब, अब आगे जब कई लोग होते हैं कलयुग में, ये लोग दोष देते हैं कि भाई भगवान ने युद्ध करवाया, भगवान को उनको नहीं पता एक्चुअली कहानी क्या। भगवान तो खुद से बोलने गए थे कि तुम मुझे 5 गांव दे दो, पर उसने वो भी नहीं माना। वो तो उसने बोला मैं तो सुई की नोक तक भी जमीन नहीं दूंगा, तब जाके युद्ध हुआ। इसलिए भगवान बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें वो नहीं दे रहा था, इसलिए तुम युद्ध कर रहे हो, तो तुम्हें करना चाहिए। अब भगवान वापस ये बोल रहे हैं यहाँ पे इस श्लोक में कि गीता का जो एक्चुअली 4.8 श्लोक है, उसमें जैसे हम जो सारा महाभारत इसमें पढ़ते, बेसिकली श्लोक सबको ही आते थे कि धर्म संस्थापना धायक
सम भवानी युगे युगे। मैं क्या करने आया हूँ, धर्म की स्थापना करने आया हूँ वापस, है ना, अपने भक्तों की रक्षा करने आए और धर्म की बेसिकली स्थापना करने, क्योंकि भगवान कभी भी आते हैं मनुष्य जीवन में तो हमें यही हमेशा कुछ कहते हैं ना, हमें आचार्यों का इन सबको अनुकरण नहीं करना है, उनका फॉलो करना है कि वो जो हमें बोल रहे हैं उनकी शिक्षाएं उनका हमें फॉलो करना है। तो भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि गीता में कहते हैं कि साधु की रक्षा तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धन की स्थापना कर लिए में वो युग युग में प्रकट होते हैं। इस बात से पता चलता है कि इस युद्ध का परिणाम होगा धर्म की पूर्ण स्थापना। धन की पूर्ण स्थापना का अर्थ है कुल धर्म, जाति धर्म, स्त्री धर्म आदि सभी प्रकार के एक धर्म। भगवान जब धर्म स्थापना कर देते, अब आप लोग सब क्यों बोलते हैं, सब जने बोलते हैं ना राम राज्य चाहिए, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ धर्म अच्छे से फॉलो हो रहा था, चाहे वो कुल का धर्म था, सब अपने अपने जो फोक आश्रम होते हैं वो अच्छे से सब फॉलो कर रहे थे, जाति धर्म होता है, स्त्री धर्म होता है, सब अपने अपने धर्म फॉलो कर रहे थे। तो इसलिए भगवान बेसिकली यहाँ पे स्वधर्म पर विचार, तो ये श्लोक में स्वधर्म के ऊपर बेसिकली एम्फेसिस दिया गया। फिर भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपनी धर्म की रक्षा करता है, धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षित, मतलब जो अपने धर्म की रक्षा करता है उसको ही धर्म आगे उसकी रक्षा करता है, और जो अधर्मी बन जाता है तो सोचता है अरे अभी इसका तो कुछ हो नहीं रहा, पर बाद में अधर्म अगर कोई करेगा तो उसका भी उसे फल भोगना पड़ेगा। कुंती महारानी का यहाँ पे संदेश है, वो जब कृष्णा आते हैं ना संधि का योग, संधि करने के लिए आते हैं, तो उनको क्या करता है दुर्योधन, बंदी बनाने लग जाता है, पर वो भगवान तो बंदी बनते ही नहीं है, पर वो क्या करते हैं कुंती महारानी से मिलने जाते हैं। तब कुंती महारानी ऐसे तो वो हमेशा ना उनको बोलती थी अपने पांडव बच्चों को कि कुछ नहीं तुम अधर्म मत करो मत करो, पर इस वक्त वो क्या कहती है कृष्णा को कि उनको बोलना कि अपने धर्म का पालन करें, उनकी जो स्त्री का उनकी जो वाइफ है उनका अपमान हुआ है तो उसका उन्हें बदला लेना, ऐसे नहीं कायर बन के रहे। तो इस टाइम पे कुंती महारानी क्षत्रानी का रोल प्ले करती है, तो वो भी अपने बच्चों को बताना चाहती है कि तुम कौन हो, क्षत्रिय हो और तुम्हें अपनी अपना धर्म का पालन करना है। हाँ, प्रभुपाद की बहुत अच्छी व्याख्या है, मैं आपको एक कोटेशन करती हूँ। इस श्लोक में तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं स्वधर्म दो प्रकार का होता है, जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। मतलब जब तक हमें शरीर से नहीं छूटते सॉरी तब तक हमें शरीर का पालन करना होता है ना, इसे खिलाना पिलाना अच्छे से रखना, अपना एक्सरसाइज वगैरह सब करना, मतलब ये सब करना पड़ता है, शरीर का पालन करना पड़ता है। जब वे मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य होता है स्वधर्म का, आध्यात्मिक हो जाता है। यदि गहराई से देखा जाए तो अर्जुन वास्तव में मुक्त पुरुष है तथा उनका स्वधर्म एकमात्र श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करना है। फिर यहाँ पे भगवान दूसरी बात कहना चाहते हैं, पहला तो क्या है कि हमें अपने शरीर का पालन करना है, सेकेंड यहाँ पे स्वधर्म का पालन है सेकेंड हमारी असलियत में दूसरा स्वधर्म का पालन है हमारी जो आत्मा है उसको कैसे हमें इससे शरीर के बंधन से मुक्त करें, ये हमारा दूसरा स्वधर्म होगा। इसमें क्लियर हो रहा है सबको, कंफ्यूजन तो नहीं है? तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि तो उसका जो अभी स्वधर्म, एक तो उसके शरीर के पर एक स्वधर्म है और दूसरा स्वधर्म उसका आत्मा का स्वधर्म है। तो शरीर का स्वधर्म कैसे करेगा कि उसको अच्छे से खिलाए पिलाए, मतलब अच्छे से अपने शरीर का पोषण करे, उसका अच्छे से ध्यान रखे ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, भक्ति कर सके, और अच्छे से भक्ति करेगा तभी तो आत्मा को मुक्त कर सकेगा, है ना, रिलेटेड है ना एक दूसरे से। जब अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कैसे भजन वगैरह करेंगे, तो और हमें हम जब ज्ञान होगा या हम सुनेंगे श्रवण करेंगे तभी तो हमें पता पड़ेगा कि हाँ भाई इस ये आत्मा ही इस शरीर के परे है, ये शरीर क्या है बंधनों का कारण है और आत्मा ही हमें शरीर से आगे निकाल सकती है।
ठीक है, आत्मा आत्मा बहुत हो गया, मुझे पता है आप लोग आत्मा के नाम से बहुत हो गया कि ठीक है आत्मा बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने, पर ठीक है बेसिकली हमें ये समझना था। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के हमारे स्वधर्म है। हरी सॉरी, फिर है 32 श्लोक। यत्र छाचोपपनम, यत्र छाचोपपनम सॉरी, यत्र छाचोपपनम स्वर्गद्वारमवाप्रतम सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अब यहाँ पे भगवान वापस थोड़ा सा स्वधर्म पे एम्फेसिस दे रहे हैं कि जो अपना अपना धर्म करता है, फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण अपना, अब जैसे है ना बहुत अच्छे एग्जाम्पल धर्म के हिसाब से ब्राह्मणों का देखा जाए तो सुदामा है, बहुत से एग्जाम्पल्स है, हालांकि छोटा सा एग्जाम्पल सुदामा का दे रही हूँ कि सुदामा ब्राह्मण थे बट उन्होंने इतने इंटेलिजेंट थे पर फिर भी वो चाहते थे तो कहीं पे भी बड़े राजा के यहाँ पे जॉब लेके या कुछ अच्छा करके भी पैसे कमा सकते थे, पर वो अपने स्वधर्म का पालन कर रहे थे कि जो ज्ञान वो ज्ञान के बदले वो कभी कुछ ज्ञान कहते हैं ना ब्राह्मण जब ज्ञान देता तो उसके बदले कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, तो जब वो ज्ञान बांटते थे तो उसके बदले वो ऐसे नहीं कि कुछ पैसे ले रहे थे, तो उनको जो मिल रहा था उसी में वो अपना भरण पोषण कर रहे थे, तो ये स्वधर्म था। तो बाद में क्या हुआ, भगवान स्वयं उनको अपने आप उनके धर्म के अकॉर्डिंग उनको बड़ा राज दिया, उनका महल दिया। तो जो भगवान यहाँ बोलना चाहते हैं कि जो अपने अपने धर्म का जिस जिस सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल तुम क्षत्रिय हो तो तुम लड़ो, तुम वैश्य हो तो तुम्हारी जो अभी ड्यूटी है वो करो, शूद्र अभी अपना शूद्र जैसा ही काम करे, शूद्र अगर ब्राह्मण बन जाएगा तो वो अपना काम वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग उसके धोखा देगा। तो भगवान यह बोल रहे हैं कि अगर अपने अपने जो धर्म का पालन करता है, तुम अगर क्षत्रियो के भी अपने धर्म का पालन करते हो तो तुम्हारे को वैकुंठ मिले नहीं मिले, स्वर्ग तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, अपने धर्म का पालन कर रहे हो। तो ये जो सारे क्षत्रिय हैं अगर वो युद्ध में लड़ रहे हैं अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, उनके लिए मैं स्वर्ग के द्वार खोलूंगा। तो इसलिए पहले वर्ण और ये जो आश्रम बनाए जाते थे, वर्ण सबको पता ही है, आश्रम भी क्या होते थे पहले, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जो जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 साल की उम्र है तो 25 साल फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मचार्य में रहते थे ताकि वो आगे के लिए प्रिपेयर हो सके, और फिर होता था गृहस्थ, फिर होता था गृहस्थ, तो गृहस्थ के लिए भी वो ट्रेंड होते थे, फिर वानप्रस्थ ताकि उनको पता है कि आगे वो ब्रह्मचार्य उनका अच्छे से निकला हुआ है तो वानप्रस्थ और संन्यास भी अच्छे से निभा पाते थे। तो या इसलिए वो पहले सोसाइटी में ये सब होता था कि भाई ये सब आप अच्छे से करोगे तो आपकी लाइफ अच्छे से सुखी हुई। तो पहले सत्ययुग और त्रेता युग इन सब में हम देखते हैं जब रामायण वगैरह है तो हमें पता पड़ता है कि हाँ पहले ये सब आश्रम और ये वर्ण को अच्छे से फॉलो किया जाता था। तो भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि तुम अपने धर्म को और अपने अच्छे से फॉलो करोगे तुम्हारे लिए क्या होगा, और कुछ हो नहीं हो स्वर्ग के द्वार तो खुले हैं ही। ठीक है, फिर प्रभुपाद जी की एक बहुत अच्छी बात है कि हर एक चीज जो श्लोक होता है जिससे जो रिलेटेड होता है वो सारी स्मृतियों को उपदेशों को उनमें से कोट करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने कोट किया है, पराशर स्मृति, आप लोगों को याद हो तो मैंने शुरू में बताया था ना कि जो सारे जैसे ब्रह्म संहिता संहिताज होते हैं, स्मृतिज होती है, श्रुतिज होती है, इन सब में वेदों को डिवाइड किया गया था। तो ऐसे ही पराशर स्मृति है जो पराशर मुनि की स्मृति के वर्ड्स थे। पराशर स्मृति में व्यास देव के पिता पराशर ने कहा, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणी प्रदाय प्रदंडयन निर्जित्य परसैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है, अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। तो ये इसीज रिलेटेड है ना, इनडायरेक्टली यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा कर्म धर्म है वो हमें करना चाहिए। तो मैंने आपको बोला था ना कि जैसे जो कर्म कांड मतलब जो 31वां श्लोक है इससे लेके 38 तक इसी में भगवान सारा हमें
कर्म ही बता रहे कि हमारा क्या कर्म है। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय क्या का कर्म है, ब्राह्मण है तो अभी अभी अब आप सोचोगे अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसी के थ्रू भगवान बता रहे जो भी आपकी स्थिति है, फॉर एग्जाम्पल हम लेडीज हैं या कोई जेंट्स है या कोई बच्चा है, कोई पढ़ता हुआ बच्चा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर का भी कोई धर्म है, इंजीनियर का भी कोई धर्म है, जो स्त्री है गृहस्थ उसका भी कोई धर्म है। तो भगवान बोले जिस जिस स्थिति में आप हो वो अपना, आप कोई बोल सकता है ना कि भाई हम तो अभी चारों वर्णों में है ही नहीं तो हमारा क्या धर्म है। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जो जो जिस स्थिति में आप हो वो अपना धर्म अच्छे से निभाओ। आपको अपने कर्मों के अकॉर्डिंग, आपकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग आपको वो जन्म मिला है, वो आपको स्थिति है। आज होने को तो मैं भी अंबानी की स्थिति में हो सकती थी या मैं भी डॉक्टर हो सकती थी, पर नहीं, मैंने जो इच्छाएं की होगी या जो मेरे कर्म होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं भी इस सिचुएशन में, तो मुझे क्या अभी कर्म करना है वो मुझे पता होना चाहिए और वो मुझे करना है। तो आप सामने अभी क्या हो, आपकी क्या अभी स्थिति, ये सब हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंग हमें शरीर मिला है, तो हमें वो हमारे कर्म करते रहना चाहिए। ठीक है, ये हमें क्यों मिला, हमें ऐसे क्यों, ये नहीं सोच के हमारा जो अभी कर्म है वो हमें अच्छे से करना चाहिए। और बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट कि भगवान को हमेशा ध्यान में रख के, भगवान को हमेशा मध्य में रख के कि जो हो रहा है वो उनकी इच्छा से ही हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, आई एम वेरी सॉरी, मेरी क्या सिस्टर आई है सूरत से, तो आप अगर मुझे आ गया तो मैं क्लास 15 मिनट पहले वाइंड अप कर दूं। वो एक्चुअली उसका बेटा मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। वो बोल रहे मासी मासी, वो बहुत सालों बाद आया, पहली बार आया इनफैक्ट, तो मैं लीव कर सकती हूँ प्लीज, अगर नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा ज्यादा ले लेंगे चलेगा सबको, सॉरी। हाँ, वांछा कल्पितरूपेश्य कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा।